चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं अमिताभ बच्चन की आने वाली मूवी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल निम्मी सोफी और मम्मी पे। और हमें सजेशन देने के लिए प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @nimmi_sophie एंड परमारी पर। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक @NSM फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं झुंड मूवी का अनाउंसमेंट। तो आज हम करने वाले हैं झुंड मूवी के अनाउंसमेंट टीजर पर रिएक्शन, और इसमें है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है नागराज मंजुले ने। ये मूवी कब आ रही है? ये मूवी आ रही है 1 मई 2020 को। तो हमें क्या करना चाहिए? इस मूवी को देखना चाहिए। तो जरूर इसे देखने जाए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर के सिनेमा घरों में भी। गाड़ी से जाना या ओला कर लेना, उबर कर लेना, पास होगा तो चले जाना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करो। चलो झुंड नहीं गई है सर, टीम गई। ये मूवी के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये नागपुर में शूट हुई है और अमिताभ जी सेंट जॉन स्कूल में, जो वहाँ की काफी बड़ी स्कूल है, वहां पर इसकी शूटिंग किए थे। क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो नागपुर से है, तो इस वजह से मुझे पता है। मेरी मम्मी बता रही थी कि अमिताभ आए, मैं नहीं जा पाई रही, सुनू अमिताभ आए। जैसे वो वेट ही कर रहे थे। यार लेकिन एक बात गलत है, मैं अमिताभ बच्चन का वेट कर रहा था, इसमें कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। मैं भी देख रही थी अमिताभ बच्चन आएगा, पर आए ही नहीं। अब तो हाई कर दिया, हमने हाई कर दिया, अमिताभ जी आए नहीं। यार गलत बात हो गई ये तो। दिल टूटिए। मम्मी को देखा। अरे थंबनेल में भी दिखा था अमिताभ खड़े हुए ऐसे पीछे से, ऐसे करके खड़े हैं पर कहीं तो। मैं बोला अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब मम्मी। अरे शुरू होते ही खत्म हो गया, समझ ही नहीं आया कि क्या है। मैं बोली अमिताभ बच्चन आएगा, अमिताभ बच्चन आएगा, पर आई नहीं। इतने बड़े बड़े में लिखा था ना अमिताभ बच्चन, था पर आया तो ही नहीं। किसी के चेहरे भी नहीं दिखाए, क्या दिखाया? सबको पीछे दिखाया, सबकी पैर पैर दिखाए। तो ये मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बनी है और अमिताभ जी ने जिसका रोल किया है उनका नाम है विजय बरसे, जो एक एनजीओ चलाते हैं। और विजय सर के एनजीओ का नाम स्लम सॉकर है और ये एक नागपुर की स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन में पहले कहा है।
इसीलिए हमको पता था कि वो जगह कहाँ पे शूट हुआ है। हाँ थोड़ा सा मैं ना एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, मैं घूमती हर जगह हूँ पर मुझे नाम जगह के याद नहीं होते तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, पर मुझे इतना पता है कि वो स्टेशन जो है नागपुर का जो बड़ा स्टेशन है उसके बैक साइड का है वो सीन। उसको कॉटन मार्केट बोलते हैं बाय द वे। हाँ मुझे लगा इतवारी और पता नहीं, अगर कोई नागपुर वाला देख रहा है तो प्लीज बताओ कि इतवारी और कॉटन मार्केट एक ही है या अलग अलग है। तो स्लम सॉकर में बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड होते हैं उनको सॉकर सिखाया जाता है, मतलब फुटबॉल सिखाया जाता है, उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस है। इसका अभी तो मई में आने वाली मूवी तो टीजर और ट्रेलर आने में तो काफी टाइम है, तो जब भी आएगा तो हम डेफिनेटली उसका रिएक्शन करेंगे। क्या आप उसका ट्रेलर रिएक्शन या टीजर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। और आपको कैसा लगा जब आपने ये टीजर देखा और उसमें अमिताभ बच्चन नहीं मिले, क्या आपको भी हमारी तरफ फील हुआ कि इसमें अमिताभ बच्चन होने चाहिए थे, तो कमेंट डाउन बिलो। वो उस मूवी की सॉकर टीम थी जो की थोड़ा गुंडे टाइप के जो लड़के थे उनको लेकर बनाया है, तो बाकी के जो टीजर आएगा ना उसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में पता है तो छोटे से टीजर का छोटा सा रिएक्शन आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।